सो दैट वॉज ऑल अबाउट पास नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रेजेंट डेफिनेट एंसेज सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट एंस में ये चीज़ आपको सब्जेक्ट स्टार्ट रहेगी ऑब्जेक्ट एंड पर आएगा तो सब्जेक्ट इसमें जो होगा वो स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट एंड पर और प्रेजेंट डेफिनेट एंस में जो वर्ब होगा वो हमेशा सेंटर में आएगा और इसमें जो वर्ब की फॉर्म होगी दैट विल बी फर्स्ट फॉर्म और एक और इम्पॉर्टेंट बात फर्स्ट फॉर्म के आखिर पर एस या ई एस लाजमी होगा और इस एस एसओस क्यों ऐड होगा इसके बारे में आपको आगे चल कर बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको इसका नेगेटिव बता दू अब जैसे कि आपको बताया गया था कि नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट ऐड करते हैं और नॉट का रूल है कि वो हेल्पिंग ऑफ के बाद ऐड होता है तो इस टेंस के यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के सिंपल स्ट्रक्चर में भी कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जैसे कि हमने पास में डेड ऐड किया था एज हेल्पिंग ऑफ तो यहाँ पे हम डू या डज ऐड करेंगे तो उसके साथ नॉट आ जाएगा और उसके बाद वी वन आ जाएगी अब जो वी वन के साथ एस और री एस था सिंपल स्ट्रक्चर में वो शिफ्ट हो चुका है डू या डस के साथ और नेगेटिव का फिर स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा सब्जेक्ट डू और डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग अप होती है वो डू do, डज दोनों नहीं होती वो बस आसानी के लिए बताया जाता है लेकिन इसकी जो एक्चुअल हेल्पिंग अप होती है वो डू होती है तो वो जो वी वन होता है वो एस वीवन के साथ जो एस और एसओर होता है वो डू के आखिर पर शिफ्ट हो जाता है अब वो सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि डू के साथ एस और ओरियस एड होना है या नहीं लेकिन आसानी के लिए फिर हम ये बता देते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ जो होगी वो या तो डू होगी या डज होगी अब इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता दूं सबसे पहले एस और ओरियस आपको बताया कि प्रेजेंट एफरेंट एंस में वर्ब के आखिर पर एस और एसओर ऐड होते हैं अब वो कब ऐड होते हैं एसोरियस हमेशा सिंगुलैरिटी को शो करते हैं मतलब सिंगल चीज को शो करते हैं और ये हमेशा इज एडिड एट द एंड ऑफ अ वर्ब यानी वर्ब के आखिर पर यूज होंगे ऐड होंगे और उसकी कंडीशन ये है कि द सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर यानी जो सब्जेक्ट होगा आपका वो सिंगुलर होना चाहिए अब वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये हैं ही शी इट या एनी सिंगुलर नेम सिंगुलर नेम मीन्स अली अमजद डेविड कोई भी एक नाम तो जब भी इन फोर वर्ड्स में से कोई भी वर्ड एस सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होगा तो उस जुमले में आप वर्ब के आखिर पर एस या ईएस ऐड करेंगे अब एस कब ऐड होगा ईएस कब ऐड होगा उसका रूल ये है कि ईएस इज एडेड ओनली फॉर वर्ब एंड्स इन दीस फाइव काइंड ऑफ लेटर्स यानी ईएस सिर्फ तब ऐड होगा अगर वर्ब इन लेटर्स पर खत्म हो रहा है यानी वर्ब के आखिर पर इन फाइव में से कोई एक लेटर है मिसाल के तौर तो पर अगर वर्ब ओ पर खत्म हो रहा हो या एस पर खत्म हो रहा हो या एस एच पर खत्म हो रहा हो या सी एच पर या एक्स पर तो ऐसे तमाम केसेस में हम वो आपके साथ ई एस एड करेंगे और इनके अलावा हम हमेशा e एस ऐड करेंगे मिसाल के तौर पर वॉच वॉच में अगर हम देखें तो डब्ल्यू एच आता है तो सी एच जो कि आखिर पर आ रहा है जो कि इन फाइव लेटर में से एक है तो यहां पर हम ई एस एड करेंगे तो इट विल बिकम वॉचेस नाउ लेट्स सी इट्स यूसेज सबसे पहला जो यूज है इसका दैट इज दिस टेंस इज टू एक्सप्रेस और शो अबिचुअल एक्शन मतलब ऐसा एक्शन जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हेबिचुअल रूटीन में हो यूजअल हो जो कि आप मामूल में करते हो एग्जाम्पल्स वॉच इज अ फिल्म एवरी मॉर्निंग वो हर सुबह एक मूवी देखता है एक फिल्म देखता है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक चीज वॉच जो वर्ब है उसके एंड पर सी एच आ रहा है तो सी एच आने की वजह से इसके पर एस सी एस में से ई एस हुआ है और दूसरी बात एस सी एस एड क्यों हुआ है क्योंकि इस जुमले में जो सब्जेक्ट है वो ही शी ये सिंगुलर नेम इनमें से एक है दैट इज ही तो जब भी कोई इनमें से सब्जेक्ट होगा तो वो आपके आखिर पर एस सी एस एड हो जाएगा तो द सेंटेंस इज ही वॉच अ फिल्म एवरी मॉर्निंग नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई गेट अप एवरी एट फाइव ओ क्लॉक मैं हमेशा पांच बजे उठता हूं तो यहां पर भी एक हैबिचुअल एक्शन को शो किया गया

सच्चाइयों को उन हकीकतों को दिखाने के लिए बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि आमतौर तो पर हर जगह सही होती है मिसाल के तौर तो पर अगर मैं कहता हूँ कि स्प्रिंग में फूल खिलते हैं मौसम बहार में फूल खिलते हैं तो इट इज़ ऑलवेज राइट ये हमेशा से सही है मौसम बहार में फूल खिलते हैं चाहे वो बाहर किसी भी शहर में आ जाए तो इस चीज़ को डिनई नहीं किया जा सकता तो एनी थिंग डैट कैन नॉट बी डिनाइड ऐसी कोई भी चीज़ को हम डिनई नहीं कर सकते दैट इज कंसिडर्ड एज जनरल ट्रूथ मतलब उसको एक जनरल ट्रूथ के तौर पर माना जाता है अब एग्जाम्पल्स इन सूरज मश्रक से तुलू होता है निकलता है तो ये एक general, general है, तो इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शुगर टेस्ट स्वीट जो चीनी होती है मीठी होती है इट इज ऑल्सो अ ट्रूथ तो इससे इसमें भी हम प्रेजेंट एफेंस इस्तेमाल किया हमने और नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्चून फेवर किस्मत बहादुरों का साथ देती है तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है तो इसमें भी हमने प्रेजेंट एफरेंडेंस इस्तेमाल किया तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आप किसी जनरल ट्रूथ को जाहिर करना चाह रहे हो वहाँ पे आप हमेशा प्रेजेंट एफेंडेंस इस्तेमाल करेंगे अनदर यूज ऑफ प्रेजेंट एफरेंडेंस इट इज़ यूज टू शो अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल और फिक्सड प्रोग्राम यानी कोई भी ऐसा इवेंट शो करने के लिए जो कि फ्यूचर में प्लान्ड हो टाइम टेबल्ड हो

हैबिचुअल नहीं बता रहे बल्कि इसमें आप एक फ्यूचर इवेंट की जो कि टाइम टू है उसकी आप टाइमिंग बता रहे हैं तो ऐसे में भी आप प्रेजेंट डिफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेक्स्ट फ्लाइट प्रवास कर जाना मॉर्निंग तो इस जुमले में भी एक फ्यूचर इवेंट के बारे में बताया जा रहा है जो कि ऑलरेडी टाइम टेबल्ड है तो इसमें भी आप प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं quotations. Quotations किसी की कोई कही हुई बात तो उनको स्टार्ट करने के लिए भी आप प्रेजेंट एफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर तो पर कीट्स जॉन कीट्स जो कि एक शायर का नाम है इंग्लिश पोइट का है तो उसकी आप कोई कोटेशन बताने वाले हैं तो आप उसके साथ आप प्रेजेंट एफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं तो हो जाएगा जॉन कीट्स सेज तो से के साथ आपने एस इस्तेमाल किया तो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और एस और री एस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड होता है और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और री एस एड होता है तो हमेशा प्रेजेंट एफरेंस टेंस इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट एफरेंस इस्तेमाल किए क्यों क्योंकि हम यहाँ पर एक शख्स की कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो ये हो जाएगा कीट से जॉय फॉर एवर अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय एवर ये उसकी कोटेशन है और उससे पहले हमने जब हमने उसको कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाना था उससे पहले वाले जुमले में हमने प्रेजेंट एफरेंस टेंस इस्तेमाल किया नाउ कम्स फ्यूचर इंड सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सेम थिंग सब्जेक्ट एट द स्टार्ट ऑब्जेक्ट एट द एंड और फ्यूचर एंड आपकी फर्स्टों में इस्तेमाल होती है और आपको ये बताया हुआ है कि फ्यूचर को शो करने के लिए हमेशा वेल या शेल लाजमी इस्तेमाल करते हैं अब आपको ये भी मैं रिमाइंड करवा दूसरे है वो हमेशा आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है और जो वेल है वो बाकी सबके साथ इस्तेमाल होता है ना इट्स यूसेस इट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स डेट वी कैन नॉट कंट्रोल ऐसी चीजों के बारे में बात करने के इस्तेमाल होता है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जो एक आप कह रहे हैं हकीकत होती हैं। मिसाल के तौर तो पर आई शेड बी ट्वेंटी नेक्स्ट सैटरडे अगले हफ्ते मैं बीस साल का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता इट इज ड्यू टू हैपन इसने होना ही होना है और ये फ्यूचर को शो कर रही है और ये हकीकत के तौर पर एज फैक्ट शो कर रही है तो ऐसे तमाम जुमलों में आप फ्यूचर एंड इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह इट विल बी न्यू ईयर इन अ वीक एक हफ्ते में नया साल आ जाएगा तो ये भी एक फ्यूचर फैक्ट है और इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता नो वन कैन स्टॉप इट तो इसमें भी आप फ्यूचर एंड इस्तेमाल कर सकते हैं और अनदर इज वी विल नो एग्जाम इन मे हमको या हम हमें अपने एग्जाम के रिजल्ट्स मे में, में मालूम हो जाएंगे तो ये भी एक फ्यूचर को शो कर अफेक्ट तो यहाँ पे भी हम फ्यूचर इन द फ्यूचर मतलब किसी ऐसी बात करने के लिए जो कि आपको लगता है आपका ख्याल है आपका यकीन है कि फ्यूचर में होगा एग्जाम्पल आर आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच मतलब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको फील हो रहा हो कैसा होगा फ्यूचर में इन फ्यूचर या आपको यकीन हो कैसा हो सकता है इन फ्यूचर उसके लिए आप फ्यूचर एंड कर सकते हैं उसके बाद आई एम श्योर हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास यहां पर जो फ्यूचर एंड है वो आगे वाले पार्ट्स में यूज हो रहा है class, विल गेट अ फर्स्ट क्लास पाकिस्तान विन द मैच एंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसा कि ऊपर वाले जुमलों में आपने देखा है जो इस यूज के मुताबिक जो फ्यूचर एंड है वो इन फ्रेजेस के साथ इस्तेमाल होता है जैसे कि आई थिंक आई एम श्योर और आई एक्सपेक्ट आई बिलीव या प्रोबेबली प्रोबेबली का मतलब शायद तो ऐसे तमाम फ्रेजेस के साथ आप आगे फ्यूचर एंड इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यूज ऑफ फ्यूचर एंड वी कैन यूज दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मिसाल के तौर पर आप अचानक से जब कोई फैसला करते हैं कुछ करने का तो उसको शो करने के लिए आप फ्यूचर एंड टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं

A comes और आपको भी बताता है मोमेंट जो मैनेजर है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ है तो आप अचानक से आप कहें डिसाइड करते हैं वेट करने का तो आप उसको कहते हैं right, है, मैं इंतजार करूंगा या करूंगी तो ऐसी तमाम सिचुएशन में आप फ्यूचर इंडेफिटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं सो देट वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर लेट मी समाइज आज हमने और उनके यूज देखे Or indefinite tenses may are say tenses past indefinite tense, present indefinite tense, and future indefinite tense. So here ends today's lecture. I'll see you in the next lecture. Till then. Allah